हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 23 के बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार और बेटा एनटीए के मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लगातार हम डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एनटीए मॉक टेस्ट 23 के बायोलॉजी के सभी 90 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पूरी वीडियो को देखें ताकि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के बाहर के सभी सही तरीके से क्लियर हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, एज फॉर एज फ्लावरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इज कंसर्न, नील करौंजी एंड बम्बूशा डू नॉट कम अलोंग विद। बेटा नील करौंजी और बम्बूशा ये दोनों ही प्लांट कई साल तक ग्रो करते हैं, कई साल तक जिंदा रहते हैं, तो इन्हें आप कहेंगे दैट इज पेरिनियल स्पीसीज, ये पेरिनियल प्लांट है। अब अगर मैंगो और एप्पल की बात करें तो ये भी पेरिनियल है, लेकिन मैंगो और एप्पल में जो फ्लावरिंग होती है बेटा वो कई बार होती है, लाइफ टाइम में लगभग हर साल इनमें फ्लावरिंग होती है, तो ये पॉलीकार्पिक नेचर के हैं, ये पेरिनियल पॉलीकार्पिक नेचर के हैं। अब जैसे बम्बूशा की बात करें तो जो बम्बूशा ही पेरिनियल तो है, 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन फ्लावरिंग केवल एक बार करता है, मोनोकार्पिक है, दिस इज मोनोकार्पिक इन नेचर। तो इसका मतलब बम्बू पेरिनियल मोनोकार्पिक है और मैंगो एप्पल पेरिनियल पॉलीकार्पिक है। इसका मतलब है कि नील करौंजी और बम्बूशा का जो फीचर है वो मैंगो और एप्पल से बिलोंग नहीं कर रहा, इनका बिहेवियर अलग है। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन अकर ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन के दौरान जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है बेटा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने के दौरान होता है, जबकि पहला मियोटिक डिवीजन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के दौरान फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, लेकिन जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनने के दौरान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैच द कॉलम, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना बेटा, चलिए मैच करते हैं। पहला है मेल एसेसरी डक्ट, मेल एसेसरी डक्ट की बेटा बात करें तो जो रेटी टेस्टिस हो गया ये मेल एसेसरी डक्ट है। रेटी टेस्टिस के अलावा अगर हम वासा इफरेंशिया की बात करते हैं और इसके अलावा अगर हम एपिडिडाइमिस की बात करते हैं तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मेल एसेसरी डक्ट। अब द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बेटा बात करें तो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के लिए उसमें मॉन्स प्यूबिस आ जाएगा, इसके अलावा लेबिया मेजोरा आ जाएगा, मॉन्स प्यूबिस और लेबिया मेजोरा बस, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड मेल एसेसरी ग्लैंड है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये भी मेल एसेसरी ग्लैंड है। तो अब यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन आल्सो ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ये सही स्टेटमेंट है। द एडोलसेंस पीरियड इज द पीरियड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, बेटा एडोलसेंस पीरियड जो होता है वो 12 से 18 साल का पीरियड होता है, तो ये गलत हो गया। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टडीज आर माइनर एंड इंक्लूड इचिंग फ्लूइड डिस्चार्ज स्लाइट पेन स्वेलिंग एक्सेट्रा इन द जेनाइटल रीजन, ये भी सही है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 3 स्टेटमेंट में से बेटा 2 करेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, पहला है बीज वैक्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड पॉलिसेस, बिल्कुल सही है। बीज वैक्स यानी मधुमक्खी के छत्ते से जो मोम निकाला जाता है वो कॉस्मेटिक और पॉलिसेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। म्यूल खच्चर जिसे कहा जाता है, इट इज ए रिजल्ट ऑफ मेटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, बिल्कुल मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का क्रॉस कराने से म्यूल बनता है, तो ये भी सही है। हेल्सा सर्डाइन मैक्रेल सम ऑफ द मैरीन फिशेज दैट आर ईटन इन आवर कंट्री, बिल्कुल सही है। मैंने आपको कोड बताया था SHM पीरियोडिक है ना, तो सर्डाइन हिल्सा मैक्रेल और पॉम्फ्रेट ये मैरीन एडेबल फिश हैं। इनब्रीडिंग रिफर टू द मेटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ क्लोजली रिलेटेड ब्रीड, ये जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये बेटा गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर लिखा है क्लोजली रिलेटेड ब्रीड के इंडिविजुअल में मेटिंग कराते हैं, जबकि इनब्रीडिंग में
सेम ब्रीड के इंडिविजुअल में मेटिंग कराते हैं। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा पूछा मैच द हार्मोन विद इट्स फंक्शन। पहला मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन की बेटा बात करें तो मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है? मेलाटोनिन हार्मोन हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल एंड बॉडी टेम्परेचर। तो पी को आप किससे मैच कराएंगे? 4 से। एल्डोस्ट्रॉन क्या करता है? इट स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट एंड, तो इसको 2 से मैच कराइए। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करता है? इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबोलिक रेट, तो आर को आप 1 से मैच करा दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा आपसे पूछा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बेटा बात करें तो बीओटी से इसका रिलेशन होता है, फ्लॉक्स का फॉर्मेशन भी होता है, एक्टिवेटेड स्लज भी बनता है। अब डी ऑप्शन है ट्रीटमेंट थ्रू स्क्रबर। बेटा स्क्रबर का यूज किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रिमूवल के लिए, SO2 के रिमूवल के लिए, मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में स्क्रबर का यूज करते हैं, जबकि वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने से ये सारे टर्म रिलेटेड हैं जो ABC दिए गए हैं। तो नॉट एसोसिएटेड आपसे पूछा तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एंजाइम टैग पॉलीमरेज। पहला ऑप्शन दिया गया इट रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर। बिल्कुल PCR में हाई टेम्परेचर में ये एक्टिव रहता है करीब 70°C पर। दूसरा इट रिक्वायर प्राइमर फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। बिल्कुल टैग पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत होती है। इट इंड्यूसेस डिनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA। ये गलत है बेटा, टैग पॉलीमरेज डिनेचुरेशन नहीं कराता बल्कि पॉलीमराइजेशन कराता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपसे पूछा गया वैक्सीनेशन प्रोवाइड। तो वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन से एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी दोनों तरह की इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों हो सकते हैं, लेकिन NTA ने अपने मॉक टेस्ट में जो आंसर दिया वो सी दिया कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखिए बेटा, वैक्सीनेशन में अगर एटीन्यूएटेड पैथोजन डालेंगे बॉडी में तो वो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी का केस बन जाएगा, लेकिन अगर आप टिटनेस की बात करें तो टिटनेस के केस में जो एंटी टिटनेस सीरम दिया जाता है उसमें प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो एक्टिव पैसिव एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी का केस बन जाएगा। तो इसका मतलब वैक्सीनेशन तो दोनों तरह का हो सकता है, वैक्सीनेशन में एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी भी हो सकती है और एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बोथ देना चाहिए था। इन 1997 द कंपनी दैट गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस। 1997 में कंपनी ने जो पेटेंट हासिल किया था बासमती राइस से वो US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से हासिल किया था। तो ए करेक्ट आंसर होगा। एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस इज बिकॉज ऑफ। बेटा एंजाइना पेक्टोरिस होता है इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हर्ट मसल। जब हर्ट की मसल को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है तो उस केस में एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस होता है। रेड टाइड इज कॉज ड्यू टू। बेटा रेड टाइड होता है डायनोफ्लैजेलेट की वजह से। जैसे गोनियोलेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये रेड टाइड कॉज करता है, और रेड टाइड में जब बहुत ज़्यादा नंबर में गोनियोलेक्स हो जाते हैं तो ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिससे मछलियों की डेथ हो जाती है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर जो नॉस्टॉक आपको दिया गया ये ब्लू ग्रीन एल्गा है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा। सेलेक्ट द ऑप्शन विद ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल बिलोंगिंग टू द बिलो मेंशन क्लास ऑफ वर्टिब्रेट। ये बेटा आपको चार क्लास दिए गए और उनके एग्जाम्पल आपको दिए गए, तो चलिए देखते हैं। पहला द नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, द माउथ इज वेंट्रल। तो बेटा ये जो बात हो रही है कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में हो रही है। तो अब इसमें देखिए कार्टिलेजिनस फिश कौन सी है? डॉग फिश की अगर हम बात करते हैं तो बेटा ये तो बोनी फिश हो जाएगी। हैग फिश साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। प्रिस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो ये कार्टिलेजिनस फिश का एग्जाम्पल, क्लेरियस भी बोनी फिश है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी सी आंसर ही आपका होगा, लेकिन बाकी चीजें देख लीजिए। द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, द टेल मे बी प्रेजेंट। तो इसमें इस क्लास का मेंबर हाइला हो जाएगा, एम्फीबिया की बात हो रही। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट जो एब्सेंट, साइक्लोस्टोमेटा की बात हो रही, लैम्प्रेस का मेंबर हो जाएगा। एंड वीवी पेरस यूजुअली पिन्ना प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेंबर, ये
मैमेलिया क्लास की बात हो रही है तो टेरोपस यानी फ्लाइंग फॉक्स यानी बैट यानी चमगादड़ इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ए मेंबर ऑफ प्लांट फैमिली विच स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म। बेटा एंडोस्पर्म में फूड स्टोर करने का काम ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर करते हैं जिसका नया नाम है पोएसी। ग्रैमिनी फैमिली का नया नाम पोएसी है और इसके मेंबर हैं जैसे वीट की बात करें, राइस की बात करें, मेज की बात करें, ये सब पोएसी के मेंबर हैं और ये सब एंडोस्पर्म में फूड को स्टोर करते हैं। वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम फ्लोएम इन डाइकॉट बाई। बेटा वुड को वुड एक्चुअली सेकेंडरी जाइलम है और सेकेंडरी जाइलम को फ्लोएम से सेपरेट करने का काम वैस्कुलर कैम्बियम के द्वारा किया जाता है। डाइकॉट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें आपको एनसीईआरटी ने बताया, और अगर आपने सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ा तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी बेटा, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। इन कॉकरोच ईच टेस्टिस एक्सटेंड फ्रॉम फोर्थ टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच कंपाउंड आई इन कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया। एक कंपाउंड आई में 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया होती, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। द वैक्यूल आर सराउंडेड बाई ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, टोनोप्लास्ट इसका आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। पेल्विक गर्डिल इज मेड अप ऑफ। बेटा पेल्विक गर्डिल की अगर हम बात करते हैं तो जो पेल्विक गर्डिल होता है वो दो कॉक्सल बोन से मिलके बना होता है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। फॉर बींग फंक्शनल ए प्रोटीन हैज टू एक्वायर एटलीस्ट। प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर में होना जरूरी है बेटा, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में एक्टिव साइट पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये एंजाइम के रूप में अपना काम करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। पहला आपको दिया गया मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। बेटा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए ये सही है कि पोस्ट और प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, यहाँ पर यस लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी सही है, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर नो, यानी ये भी सही, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये जो सी ऑप्शन आपको दिया गया ये केमिकल सिनेप्स के लिए आप ध्यान रखोगे, ठीक, ये केमिकल सिनेप्स के लिए अगर पूछा जाता तो सही होता। इन विच स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस लास्ट फॉर मेनी डेज। बेटा आप जानते हैं कि जो डिप्लोटिन स्टेज होती है कुछ इंसेक्ट में उनके ओसाइट में कई दिनों की, कई महीनों की या फिर कई वर्षों की हो सकती है। फॉर ए सोल्यूशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज। एक सोल्यूशन के लिए एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पोटेशियम पंप थ्योरी विच एक्टिविटी विल नॉट अकर फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो बेटा यहाँ पर पोटेशियम पंप थ्योरी एनसीईआरटी में तो आपको दी नहीं गई, तो आपको याद करना पड़ेगा पैसिव प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, ये यहाँ पर गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। Which of the following is a copper containing protein acting as a mobile electron carrier? बेटा जो प्लास्टोसाइनिन है इसे PC से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में एक्ट करती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ABA act as antagonist to gibberellic acid, बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है। एंटागोनिस्ट उन्हें कहते हैं जिनका वर्क अपोजिट होता है। इथाइलिन एक्ट बोथ एज प्रोमोटर एंड इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, ये भी सही है। ऑक्सिन एंड इथाइलिन प्रोमोट एपिकल डोमिनेंस। अगर इथाइलिन लो कंसंट्रेशन में है तो ये ऑक्सिन के साथ मिलकर एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, तो ये भी सही होगा। ABA प्रमोट सीड जर्मिनेशन, ये गलत, ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, मतलब आपका आंसर डी होगा जो कि आपसे पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगर आप तो आपको सी और डी में कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऑक्सिन को बताया कि ये ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स एंड प्रोडक्ट। तो पहला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का एंड प्रोडक्ट सुगर बेस सही है। प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड सही है। फैट का एंड प्रोडक्ट मोनोग्लिसराइड गलत है बेटा, क्योंकि फैट का एंड प्रोडक्ट होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। पॉलीसेक्राइड का एंड प्रोडक्ट मोनोसेक्राइड सही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है। पहला ऑप्शन है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम,
occur which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis. तो ये normal respiration के लिए सही है. Which set of animal is ureotelic? बेटा जो यूरिया का रिमूवल करते हैं उन्हें ureotelic कहते हैं. और ureotelic में आ जाएंगे जैसे mammal की बात करें और terrestrial amphibian की बात करें तो ये ureotelic हो जाएंगे. अब जो aquatic amphibian होते हैं बेटा ये ammonotelic होते हैं. Insect uricotelic होते हैं. Bony fishes की बात करें तो bony fishes ammonotelic nature की होती हैं. Mammal की बात करें तो mammal ureotelic nature के होते हैं. तो केवल D option यहाँ पर correct है. Out of 12 pair of ribs in ribcage of human, how many rib are true and false respectively? तो बेटा true rib जो होती हैं वो 7 pair होती हैं और false rib जो होती हैं वो 3 pairs होती हैं, है ना? तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप पहला आंसर यहाँ पर टिक कर दोगे जो कि गलत है. 7 pair मतलब 14 और 3 pair मतलब 6, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा. बहुत बढ़िया सवाल. अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 7 और 3 टिक करेंगे जबकि 7 pair और 3 pair होंगे या 14 या 6 आंसर आप करोगे. मोस्ट ऑफ अमीनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू. ज्यादातर अमीनो एसिड का प्रोडक्शन बेटा ट्रांस एमिनेशन नाम के प्रोसेस के द्वारा होता है. जो ग्लूटामिक एसिड होता है इससे ट्रांस एमिनेशन के द्वारा बाकी अमीनो एसिड का प्रोडक्शन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा. इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सा सही नहीं है? पहला हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैरिन सही है. सिमेट्री एडल्ट आर रेडली सिमेट्रिकल ये भी सही है. लार्वा बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वाली तो बेटा पोरीफेरा का मेंबर है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी लार्वा होता है तो ये भी सही है स्टेटमेंट यानी सी आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग पजेस मैमरी ग्लैंड बेटा मैमरी ग्लैंड मैमल का कैरेक्टर. अब स्टुथियो बर्ड का मेंबर है. टेरोपस मैमल हो जाएगा. हेमी डक्टाइलस की बात करें तो रेप्टाइलिया का मेंबर है. राना एम्फीबिया का मेंबर है. टेरोपस मैमल है. फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं इसे. ये चमगादड़ है बेटा और ये मैमल का मेंबर तो इसमें मैमरी ग्लैंड पाई जाएंगी. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया. बेटा लार्जेस्ट क्लास नहीं लार्जेस्ट फाइलम है तो गलत हो गया. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलिड ये सही है. नियोफ्रॉन बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया बेटा नियोफ्रॉन वल्चर है गिद्ध और ये क्लास बर्ड यानी एप से बिलोंग करता है तो ये भी गलत हो गया. सिटेकुला इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया बेटा पेवू की अगर बात करें जिसे पिकॉक कहते हैं वो है नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया तो ये भी गलत हो गया. तो करेक्ट है बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द बोनी फिश बेटा बोनी फिश की बात करें तो बोनी फिश में प्लेकॉइड स्केल प्रेजेंट दिखा गया जो कि गलत है. प्लेकॉइड स्केल कार्टिलेजिनस फिश में होते हैं. गिल विद ऑपरकुलम ये बोनी फिश का करेक्टर है और ये सही है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी. पहला है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज यूनिफॉर्म एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. गलत है बेटा. प्लांट और एनिमल की जो डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. द ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर रीजन. बिल्कुल ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेट या पोलर रीजन की तुलना में ज्यादा डाइवर्सिटी है. Which of the following is correct set of event involved in the process of decomposition? Decomposition, बेटा मैंने कोड आपको बताया था फल लेकर चलता हूँ मैं यानी fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. तो D answer यहाँ पर correct हो जाएगा. The pathogen causing African sleeping sickness belong to? बेटा African sleeping sickness की अगर हम बात करते तो NCERT में आपको नहीं दिया गया है केवल sleeping sickness लिखा हुआ है. तो ट्रिपैनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है. एनसीईआरटी में केवल स्लीपिंग सिकनेस यहाँ दिया गया है. क्लियर. तो ये प्रोटोजोवा से ट्रिपैनोसोमा बिलोंग करता है. वन कैन डिस्टिंग्विश ए लीफलेट फ्रॉम ए लीफ बाय द एब्सेंस ऑफ बेटा लीफलेट की जो एक्सिल होती वहां पर एक्सिलरी बड नहीं होती है जबकि लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी बड पाई जाती तो हम लीफलेट की पहचान कर सकते हैं अगर उसके एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं है तो. Diploid spore are produced only by बेटा diploid spore normally haploid होते हैं लेकिन rust causing fungi diploid spore को produce करते हैं और ये NCERT में आपको नहीं दिया गया है. Metagenesis or alternation of generation can be observed in member of phylum बेटा metagenesis या alternation of generation Coelenterata के member में पाया जाता है. जैसे Obelia की बात करें तो Obelia में मेटाजेनेसिस पाई जाती है जहां पर पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप का फॉर्मेशन होता है.
एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कार्टिलेज नॉट फाउंड? बेटा कार्टिलेज एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन में होता है, टिप ऑफ नोज पे होता है, बिटवीन वर्टिब्रा होता है, बिटवीन द क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन के बिटवीन में कार्टिलेज नहीं होती, यहाँ पर फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाता है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कॉकरोच इज ऑल्सो नोन एज अमेरिकन कॉकरोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज इनकरेक्ट? नंबर ऑफ विंग 2 pair सही है, नंबर ऑफ लेग 3 pair बिल्कुल सही है, टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज नहीं बेटा ओपन है, नंबर ऑफ 4 is 2। तो बेटा यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता अगर आर्थ्रोपोडा की हम बात करें। वॉट इज द इन्फेरेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो देयर इज सम जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ नहीं हो पाया था कि जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, लेकिन इन्होंने कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वही जेनेटिक मटीरियल होगा। टेंडन अटैच बोन टू मसल एंड लिगामेंट अटैच वन बोन टू अनदर, दे आर एग्जाम्पल ऑफ। बेटा अगर हम टेंडन और लिगामेंट की बात करते हैं तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ एलील कैपिटल एंड स्मॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम आर 0.7 एंड 0.3 रेस्पेक्टिवली इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 250 इंडिविजुअल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, हाउ मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस? तो बेटा हेट्रोजाइगस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टू ऐसे, है ना। अब कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी होती बेटा वो स्मॉल पी होती है, स्मॉल ए की रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी स्मॉल क्यू होती है, तो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2pq। अब 2 आपको यहां पर पी दिया गया, पी की वैल्यू 0.7 आपको दी गई, यहां 0.7 प्लेस करिए, क्यू की वैल्यू 0.3 दी गई, रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी 0.3 करिए, यह आ जाएगा 0.42। 0.42 फ्रीक्वेंसी आ गई। अब 250 इंडिविजुअल में आपको निकालना है तो सीधे आपको 0.42 को 250 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 105, बस आंसर आ गया। हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने का एक अलग सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी कि हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अर्ली कम्युनिटी? अगर कोई कम्युनिटी सक्सेशन में शुरू हुई है तो बेटा उसमें शुरुआत में क्या होगा, नैरो नीस स्पेशलाइजेशन, क्योंकि जैसे जैसे हम सक्सेशन में आगे बढ़ेंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, कम्युनिटी में प्रोडक्शन बढ़ेगा, डेंस फूड वेब बढ़ेगी। वैसे एनसीईआरटी में आपको ये मेंशन नहीं किया गया तो आपको अर्ली कम्युनिटी के लिए याद करना है नैरो नीस स्पेशलाइजेशन, और जब कम्युनिटी डेवलप होगी तो वाइड नीस स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। विच हार्मोन एक्ट एज द गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन? तो बेटा जो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वहां से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को प्रमोट करता है, तो आप ध्यान रखेंगे गैस्ट्रिन हार्मोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज बाई पार्स नर्वोसा ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड? बेटा पार्स नर्वोसा पोस्टियर पिट्यूटरी को कहते हो, पोस्टियर पिट्यूटरी से ना तो ऑक्सीटोसिन का ना ही एडीएच का सिंथेसिस होती है, केवल यहाँ से इनको रिलीज किया जाता है। ऑक्सीटोसिन और एडीएच की जो सिंथेसिस होती है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा होती है। हाउ डज द पॉलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन? बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो पॉलन ट्यूब है एम्ब्रियो सैक में एंटर करती है दोनों सिनर्जिड में से किसी एक सिनर्जिड के थ्रू, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड। Which of the following is the correct sequence of layer in the typical monocotyledon from outer to surface of the pith? है ना, outer surface to the pith. तो अगर हम monocotyledon की बेटा बात करते हैं तो outer inner की तरफ सबसे बाहर क्या होगी, epiphyllema होगी, इसके बाद cortex आएगी, then endodermis, उसके बाद pericycle और फिर center में pith आ जाएगी, तो C correct option हो जाएगा। Root की epidermis को epiphyllema कहा जाता है। Which of the following organelle is bound by the tonoplast? खूब पूछा जाता है बेटा tonoplast, जो वैक्यूल होती है इसकी कवरिंग को tonoplast कहा जाता है। Select the correct statement from the following. पहला है nasal granule are found in cell body and dendrite. बिल्कुल सही बेटा, सेल बॉडी और डेंड्राइट में nasal granule पाए जाते हैं, एक्सॉन में nasal granule नहीं पाए जाते, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। Which of the following will shift the oxygen ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टू राइट? बेटा पहले भी मैंने कंडीशन आपको बताई है, कर्व शिफ्ट कब करता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करे, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज करे, P
पीएच डिक्रीज करे, टेम्परेचर इंक्रीज करे तो राइट शिफ्टिंग होगी, और ये जो कंडीशन दी गई हैं इनसे लेफ्ट शिफ्टिंग होगी। द डिफरेंस बिटवीन जाइलम ऑफ एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म इज दैट इन जिम्नोस्पर्म, बेटा जाइलम में जो डिफरेंस होता है जिम्नो और एंजियो में वो ये होता है कि जो जिम्नोस्पर्म का जाइलम है वहां पर जो वेसल्स होती हैं वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, है ना। जिम्नोस्पर्म में वेसल एब्सेंट होती है जबकि एंजियोस्पर्म में वेसल प्रेजेंट होती है, तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लावर विच प्रोवाइड इंसेक्ट विद ए सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, तो बेटा एमार्फोफिलस की अगर हम बात करते हैं तो एमार्फोफिलस का जो फ्लावर होता है ये इंसेक्ट को अंडे रखने के लिए सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है, और एमार्फोफिलस का जो फूल होता है वो टॉलेस्ट फ्लावर है पूरी दुनिया में। एमार्फोफिलस के अलावा जैसे युक्का प्लांट की अगर हम बात करते हैं, फिग की बात करते हैं, तो ये भी इंसेक्ट को अंडे रखने की जगह देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो वासा रेक्टा एब्सेंट, बिल्कुल शॉर्टर लूप ऑफ हेनले ये भी सही है, स्लोअर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ये भी सही होगा क्योंकि हेनलेज लूप शॉर्ट है यहाँ पर, एंड फीवर इन नंबर ये गलत है क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर बेटा ज्यादा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80-85% कॉर्टिकल नेफ्रॉन ही होते हैं और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन केवल 15-20% ही होते हैं। तो यहाँ पर स्लोअर रेट ऑफ फिल्ट्रेशन केवल एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपको दिए गए और इससे आप आंसर कर लेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी होगा। फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेनिस्टम ऑब्लिक ब्रांचेस में अराइज एंड कम आउट ऑफ द सॉयल एंड गिव राइज टू लीफी सूटिन, ये बेटा कंडीशन पाई जाती है क्राइजेंथेमम और पाइन एप्पल में, क्राइजेंथेमम और पाइन एप्पल में कंडीशन प्रेजेंट होती है, इसके अलावा बनाना में भी ये कंडीशन पाई जाती है, क्राइजेंथेमम बनाना पाइन एप्पल क्राइजेंथेमम तीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए। वेन ग्राउंड सिलरी ऑफ लिविंग टिश्यू इज स्ट्रेंड थ्रू ए चीज क्लो द फिल्ट्रेट इज ऑप्टेन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिल्ट्रेट, बेटा फिल्ट्रेट की बात में तो पहला आपको दिया गया इट इज एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन सही है, इट पजेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली, नहीं बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल, गलत है बेटा इसमें केवल माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ओनली फोर कंपाउंड आर ऑप्टेंड, ये भी गलत है, फोर कंपाउंड पाए जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हैवी मीरोमाइसिन, एचएमएम का कौन पार्ट नहीं है, तो बेटा देखिए ग्लोबुलर हेड एचएमएम का पार्ट है, शॉर्ट आर्म बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन ये सभी एचएमएम के पार्ट है, बाइंडिंग साइट फॉर ट्रोपोमायोसिन ये हैवी मीरोमाइसिन का पार्ट नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल फॉर टिश्यू कल्चरिंग इज कॉल्ड, बेटा जो टिश्यू कल्चरिंग में जिन सेल को हम यूज करते हैं, जिस पार्ट को हम यूज करते हैं उसे एक्सप्लांट का नाम दिया जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्टली ग्रुप ऑफ सेल इनिशियल नहीं लिखा हुआ है। पीसीआर इज ए साइक्लिक प्रोसेस दैट इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए फ्रेगमेंट, ड्यूरिंग द एम्पलीफिकेशन नंबर ऑफ साइकिल इज जनरली केप्ट बिटवीन 30-40 साइकिल, हाउ मेनी नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द नंबर ऑफ साइकिल वर केप्ट 10, बेटा 10 साइकिल अगर रखेंगे तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये कि एक डीएनए आपके पास है, अगर एक बार साइकिल आप चलाएंगे तो दो डीएनए बनेंगे, दूसरी बार साइकिल में चार बन जाएंगे, तीसरी बार में आठ बन जाएंगे, चार साइकिल में 16, पांच साइकिल में हर बार डबल होता जाएगा, पांच साइकिल में 32, छह साइकिल में 64, सात साइकिल में 128, आठ साइकिल में 256, नौ साइकिल में 512 और 10 साइकिल में आपसे पूछा गया तो 10 साइकिल में 1024, तो इस तरीके से आप करिएगा, बाकी कोई फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ लैक्टेशनल एमिनोरिया में एक्सटेंड अप टू, लैक्टेशनल एमिनोरिया मैक्सिमली इफेक्टिव हो सकती है 6 मंथ तक के लिए। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन अकरिंग, खूब पूछा था बेटा, एनाफेज स्टेज में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, पहला ऑप्शन आपको दे रखा है FSH secretion stimulate Sertoli cell, सही है। Secretion of relaxin in the later phase of pregnancy human placenta, गलत है बेटा, relaxin नाम के हार्मोन का secretion ओवरी से होता है, तो ये गलत है और आपसे मिसमैच पूछा गया, तो यही सही है। Diaphragm cervical के वॉल्ट physical barrier of contraceptive tube, ये सही है बेटा, है ना, contraception tube नहीं होगा, human egg, fertilization in fallopian tube, ये सही है, तो यहाँ पर गलत स्टेटमेंट बी है और आपसे गलत ही पूछा गया है।
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द टोटल सेल साइकिल टाइम गिवन फॉर ए गिवन सेल टाइप कैन चेंज दी चेंज आर प्राइमरीली ड्यू टू वेरिएशन। ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा, इसका आंसर G1 हो जाएगा। जीवन फेज में चेंज होने की वजह से अलग अलग सेल का सेल साइकिल का ड्यूरेशन का टाइम चेंज हो जाता है। इन लेगुमिनस प्लांट देयर एग्जिस्ट ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट एंड द बैक्टीरियम, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कि द बैक्टीरिया डेराइव रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट, तो ये गलत है बेटा। जो नाइट्रोजन होती है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करते हैं और जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करते हैं, तो ये गलत हो गया। द बैक्टीरिया सप्लाई रिड्यूस्ड नाइट्रोजन टू प्लांट एंड रिसीव सुगर फ्रॉम प्लांट, बिल्कुल सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो नाइट्रोजन का जो रिड्यूस फॉर्म है वो अमोनिया है, बैक्टीरिया अमोनिया प्लांट को देता है और बदले में इसको प्लांट से सुगर मिल जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेंटा डेवलपमेंट कैन नॉट बी सीन, बेटा प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन मैमल में होता है, तो ह्यूमन, हॉर्स और कैटल ये मैमल के एग्जाम्पल है, कोलंबा पिजन ये बर्ड है, यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मियोसिस वन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ द सेकेंडरी फॉलिकल इंटू टर्सरी फॉलिकल, तो ये सही है। मियोसिस वन इन ओजेनेसिस इज एन अनइक्वल डिवीजन, ये भी सही है। ओवुलेशन रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट, ये भी सही है। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो कोई बेटा इनकरेक्ट यहाँ पर नहीं है, नन आपका आंसर हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। द सुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो सीधा सवाल है, मिल्क में जो सुगर प्रेजेंट है उसे लैक्टोज कहा जाता है, लैक्टोज को कॉमनली मिल्क सुगर ही कहा जाता है। मिल्क में करीब 2-8% लैक्टोज प्रेजेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, बेटा अगर हम बात करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन से क्लोन का फॉर्मेशन होगा क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जबकि कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं, तो यहाँ पर क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लोन केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही डेवलप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन्वेडेड द लैंड फर्स्ट, बेटा जो पहले ऑर्गेनिज्म पानी से निकल के लैंड पे रहने के लिए वो प्लांट थे, ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू आरएनए इंटरफेरेंस, पहला है इट इज एन इवेंट ऑफ पोस्ट ट्रांसलेशनल जीन स्प्लाइसिंग, तो ये करेक्ट है। इट वर्क थ्रू आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बोथ पी एंड क्यू। ए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ऑफ एन एंजाइम, बेटा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या करता है, ये केएम वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। केएम वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो केएम से इनवर्सली रिलेटेड होती है, तो केएम अगर इंक्रीज होगा तो एंजाइम की जो एफिनिटी है सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए वो कम हो जाएगी, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर केएम वैल्यू को इंक्रीज करता है, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। Which of the following is incorrect about Darwinian variation? बेटा Darwinian variation के लिए कौन सा गलत है? पहले result in gradual evolution सही है, small variation होती है Darwin की, बिल्कुल directional होती है, बिल्कुल discontinuous होती है, ये गलत है बेटा, D option यहाँ पर Darwinian variation के लिए गलत है, ये gradual होती है, discontinuous नहीं होती है। Which of the following families are included under order polymonial? पॉलीमोनियल में बेटा कॉन्वोल्यूलेसी और सोलनेसी फैमिली को इंक्लूड किया जाता है, कॉन्वोल्यूलेसी और सोलनेसी फैमिली को ऑर्डर पॉलीमोनियल में इंक्लूड किया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका कॉन्वोल्यूलेसी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिवीजन इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, बेटा यहाँ पर अगर हम डाइकॉटिलेडनी की बात करें तो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, एंजियोस्पर्मी डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, डिप्टेरा की अगर हम बात करें तो ये डिप्टेरा एक ऑर्डर हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और सेपिनडेल भी ऑर्डर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज, बेटा अगर हम एड्स की बात करें, हेपेटाइटिस बी की बात करें, टाइफाइड, तो इन्फेक्शियस डिजीज हैं क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती हैं। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का एग्जाम्पल है, ये कल ही क्रैश कोर्स मैंने आपको बताया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में।
इन ए रिलेशनशिप ऑफ लाइक एंड फंगल पार्टनर इज कॉल्ड, बेटा फंगल पार्टनर को माइकोबियोंड कहा जाता है और एल्गल पार्टनर को फाइकोबियोंड कहा जाता है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। Which antigen is responsible for erythroblastosis fetalis? Erythroblastosis fetalis का कारण है RH antigen. C answer correct होगा. Erythroblastosis fetalis का case NCERT में आपको दिया गया है. Crash course मैंने आपको पढ़ा भी दिया है. The distance covered by a complete turn of DNA double helix. Complete turn में बेटा 34 angstrom DNA distance को cover करता है या 3.4 nanometer भी आप इसे कह सकते हैं. RQ of fat and protein. Fat and protein के RQ की बेटा बात करें तो ये less than 1 होता है. Fat के लिए RQ 0.7 और protein के लिए 0.9 होता है, तो दोनों का RQ less than 1 होता है. DPT vaccine provide immunity against all of the following disease except बेटा DPT में तीन चीजें आती हैं, एक diphtheria, दूसरा pertussis और तीसरा tetanus आता है, तो ये tuberculosis की वैक्सीन नहीं है. DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस तीनों से बचाने का काम करती है. ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो वैक्सीन है दैट इज BCG वैक्सीन. इन ए TCA साइकिल हाउ मेनी NADH2 एंड FADH2 आर प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली. TCA साइकिल में बेटा अगर हम NADH2 की बात करते हैं तो NADH2 तीन बनते हैं और FADH2 एक बनता है, तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड, ये NCERT में आपको नहीं दिया गया बेटा. इको फ्रेंडली क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में बेटा बहुत सारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज किया जाता, तो ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नहीं है. लैब स्टैंड फॉर, लैब का मतलब क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कॉमनली लैब कहा जाता है, तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड कैटिकोलामिन, बेटा कैटिकोलामिन की अगर हम बात करें तो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को मिला के कैटिकोलामिन के नाम से जाना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इम्बाइबिशन, इट इज ए काइंड ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, गलत है बेटा, इम्बाइबिशन इज ए काइंड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन. The affinity between the adsorbent and liquid is not requisite, गलत है, requisite होती, जरूरत होती है, not गलत है. Absorption of liquid by the seed and wet wood is a classical example of wood. यहाँ पर बेटा wet लिखा हुआ है ना, wet wood यहाँ पर होना चाहिए था dry wood. तो इसका मतलब है कोई भी option यहाँ पर correct नहीं है, none of the above हो जाएगा. Which plant has been used to study cytoplasmic streaming? Cytoplasmic streaming hydrilla plant की जो leaf की cell होती है उनमें easily visible होती है. Species that have maximum influence on the ecosystem are called. जिन species का number कम होता है लेकिन influence ज़्यादा होता है उन्हें keystone species कहा जाता है. Bioneat में आपको दिया गया है, inspection में मैंने आपको पढ़ा, लेकिन NCERT में keystone species के बारे में नहीं बताया गया, तो correct answer आपका B हो जाएगा. तो ये बेटा आज के NTA Mock Test 23 के 90 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो डेली आपको मिलती रहे और अपनी नीट की प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आप बूस्टअप कर पाएं. बेस्ट ऑफ लक.